अल्फा, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अल्बर्ट ह्यूज, स्टारिंग कोडी स्मिट मैकफी एज कीड़ा, एक प्रीहिस्टोरिक सर्वाइवल ड्रामा है जिसकी लगभग पूरी कहानी उन्होंने ट्रेलर में ही बता दी है। सच में 90 से 95% फिल्म की कहानी उन्होंने ऑलरेडी ट्रेलर में बता दी है, इसलिए फिल्म में छुपाने जैसा तो कुछ भी नहीं है। 20,000 साल पहले यूरोप के एक शिकारी कबीले की ये कहानी है। विंटर शुरू होने से पहले शिकार करके उन्हें अपने ठंडियों की तैयारी करनी होती है, यानी जो लास्ट आइस एज आने वाला होता है उसके पहले शिकार करके उन्हें अपने घर तक पहुँचना होता है। लेकिन इस सफर में उनके कबीले के मुखिया का जो बेटा है केड़ा, वो खाई में गिर जाता है। सब सोचते हैं कि वो मर गया है, और ऐसा सोचकर उसे श्रद्धांजलि देकर बड़े ही दुखी मन के साथ बाकी कबीला आगे बढ़ जाता है। लेकिन केड़ा किसी प्रकार से बच जाता है और फिर वो भी अपने घर की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उस पर भेड़िए हमला कर देते हैं। वो किसी प्रकार से एक भेड़िए को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है, और इसके बाद में केड़ा और वो जख्मी भेड़िया, जिसका फिल्म में अल्फा नाम दिखाया है, वो दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, कैसे वो एक दूसरे का विश्वास हासिल करते हैं, केड़ा कैसे इस सफर में सर्वाइव करता है, यह हमें इस पूरी फिल्म में आगे दिखाया है। यानी 20,000 साल पहले किस प्रकार से मनुष्य ने पहली बार जानवरों को पालना शुरू किया, ये इस फिल्म के जरिए हमें दिखाने की कोशिश की है, जो कि एक काल्पनिक कहानी है। इस शिकारी कबीले में केड़ा सबसे ज्यादा अनुभवहीन, कमजोर और कोमल दिल वाला होता है, इसलिए वो पहले शिकार नहीं कर पाता, इसलिए उसके पिताजी उसे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। फिल्म की काल्पनिक भाषा में वो उसे सीख भी देते हैं कि लाइफ इज फॉर स्ट्रांग, इट इज नॉट गिवन। ये फिल्म एक काल्पनिक भाषा में, इसलिए आपको ये पूरी फिल्म नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स पढ़कर समझनी पड़ती है। अगर आपको सबटाइटल्स की आदत नहीं है तो ये फिल्म देखने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। सिनेमेटोग्राफी और परफॉर्मेंसेस, ये दो इस फिल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट है। बड़े बड़े लैंडस्केप, खुले मैदान, यहाँ पर डायरेक्टर का इमेजिनेशन मुझे बहुत पसंद आया। फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे थे जिन्हें देखकर हमें लगता है कि हाँ 20,000 साल पहले ऐसा ही होता होगा, लेकिन कुछ सीन्स उतने हमें रियल नहीं लगते। बाकी कैमरा वर्क अमेजिंग है, इसमें कोई शक नहीं। कोडी स्मिट मैकफी का परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक लगा। यानी शुरुआत में किस प्रकार से केड़ा कमजोर और भावुक होता है, धीरे धीरे हालातों की वजह से कैसे वो मैच्योर और स्ट्रांग होते जाता है, और अल्फा और केड़ा इन दोनों के बीच की दोस्ती, ये जो सारे बदलाव केड़ा के कैरेक्टर में हमें नजर आते हैं वो कोडी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर उतारे हैं। फिल्म की कमी की अगर हम बात करें तो अल्फा बहुत ही इमोशनल और हर्ट वार्मिंग ऐसी स्टोरी हो सकती थी, लेकिन ये फिल्म उतना इमोशनल इम्पैक्ट हम पर नहीं कर पाती है। डायरेक्टर ने केवल विजुअल्स पर ही ज़्यादा ध्यान दिया है और कम से कम बजट में जैसे फिल्म पूरी करने की कोशिश की है ऐसा हमें लगता है। यानी 20,000 साल पहले का जो समय है वो और बढ़िया तरीके से डायरेक्टर दिखा सकते थे। हाँ, लेकिन फिल्म में कुछ मोमेंट्स, कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं, लेकिन ये फिल्म हमें वहाँ पर ज़्यादा भावुक होने नहीं देती। यानी उन इमोशंस में ऑडियंस को ये फिल्म ज़्यादा देर ठहरने नहीं देती, तुरंत ये फिल्म आगे बढ़ जाती है। अल्फा एक आर्ट हाउस फिल्म की तरह है और वो अपना काम बढ़िया से करती है, लेकिन अगर फिल्म में इमोशंस पर ज़्यादा जोर दिया जाता तो ये फिल्म और ज़्यादा हमारे दिल को छू पाती। फिल्म में विजुअल्स, केड़ा और अल्फा इन दोनों के बीच की दोस्ती, किस प्रकार से इस पूरे सफर में एक दूसरे को सर्वाइव करने में मदद करते हैं, ये सारी बातें काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिल्म का जो प्रीमिस है वो थोड़ा सा रूखा सूखा, डार्क और सैड होने की वजह से इस फिल्म को हम उतना उस प्रकार से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन जिन्हें आर्ट हाउस फिल्म्स देखना पसंद है वो कुछ हद तक इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। मैं अल्फा को दूंगा 7.5 out of 10 stars। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।